गोने आला के टूल के ऊपर, जो कि एक इतनी बढ़िया इन्होंने जो सड़क इस एरिया को दी है कि पानी भी डाल दे तो ऊपर चला जाता है। मैनेजर साहब के आदेशों को लेकर ये जो सब हुआ, और हम देख रहे हैं कि वही गाड़ियाँ जो जो बंदे घबराते थे कि बठिंडा जाना है, अब तो उनको खुशी रहती है कि बठिंडा जाना है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत कम टाइम में लोग अमृतसर और बठिंडा के बीच का रास्ता बहुत कम हो गया। बंदों को लगता है कि अभी अमृतसर ये है, नज़दीक आ गया। बढ़िया रोड है, बढ़िया सर्विस है, और लोग खुशी होकर के टॉल भी देते हैं। मेंटेन करते हैं इसको इसी तरीके से। हमारे कर्मचारी बड़े एडुकेट हैं, अपने अपने काम में माहिर हैं सभी, और यूज़रों के साथ ही बढ़िया व्यवहार रखते हैं। अच्छा काम चला, बहुत बढ़िया, वाले बहुत अच्छे हैं। यहाँ का जो है लोकल आदमी बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है। हमें बाहर से आकर के भी ऐसा लगता है कि हम अपने घर में। अमृत साहब, कैसे लगता है आपको कि कितने एरिए में आप लोग जो है वो पास इशू कर देते हैं? यहाँ के 20 किलोमीटर के एरिए के अंदर लोकल पास है, अदर देन का 3165 का, लेकिन हम लोकल को 255 का देते हैं। और क्या आपका संदेश रहेगा कि अगर ऐसी ही रोड थ्रो आउट पंजाब बन जाए और इतनी बढ़िया तरीके से उनको मेंटेनेंस हो, तो गाड़ियों की लाइफ ही बढ़ती है, टायरों की, और कीमती जाने हैं जो भी बचती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। रोड से डेवलपमेंट होता है पूरे एरिए का, साथ में किसानों का, जिनकी ज़मीनें आती हैं उसका, गाँव का, सबका डेवलप होता है रोड से। मैं तो चाहता हूँ सब जगह 4 लाइन बने, और ऐसा ही सारे पंजाब के अंदर हो, नहीं पूरी थ्रू आउट इंडिया ऐसा ही। टाइम में सिर्फ चढ़ाने से पहले 15 से 20 मिनट हम ब्रीफ करते हैं अपने अपने कार्य के बारे में, और आफ्टर ड्यूटी हम फिर उनको डीब्रीफिंग करते हैं कि आपने ड्यूटी के अंदर आज गलतियाँ की या आइंदा से ना करें। इस ले करके बहुत अच्छा जो है व्यवहार हो गया लोगों के साथ, और दिली नाता जो हो गया, लोग बहुत अच्छे ढंग से जो है कलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा खान साहब, हम ये सोचे कि जो ये जो आपकी काउंसलिंग है, जिस तरीके से आपका माइंड सेटअप है कि मैंने लोगों को देखिए टूल देना है, वो तो एक बंदे का फ़र्ज है, लेकिन टूल देकर, टूल तो देना ही है लेकिन उसमें कोई ज़्यादा बीमार आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम में आ जाता है कि बार बंदा इतना गरीब भी आ जाता है तो उसको भी रिलैक्सेशन हो जाती है। हाँ बिल्कुल, रिलैक्स है, ऐसी कंडीशन आता है तो उसको हम बिल्कुल रिलीफ करते हैं। जितना टूल को हमारा मन में ऐसा है कि हम लोग बहुत ही एक उम्दा किस्म का हम लोगों को सर्विस दें, और यहाँ से हर सुविधा बनाए। हमें अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यहाँ पेंट्री वगैरह सारी की सुविधा हो, और टॉयलेट बाथरूम बढ़ा दिए हमने, एडुकेट हैं बिल्कुल, जो है साफ़ सफाई रखते हैं, लेकिन एक पेंट्री एक एक और बनाना चाह रहे हैं हम, जहाँ से लोगों को खाना पीना नाश्ता मिलाएंगे, और ट्रक वालों को सबको सुविधा यहाँ मिले।